अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है और आज दूसरी ईद है खैर से, और यहाँ गली में मुझे जमजम नज़र आई है, क्योंकि जमजम जो है वो अपने बेबी के साथ सुबह सुबह वॉक करती है। तो आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं जी आज जमजम क्या कर रही है। ये देखें जी, जमजम ये खड़ी है जी, और ये इसका बेबी है जी, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट से बेबी और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये सुबह सुबह इसे भूख लगी हुई थी और अब ये जो है वो अपनी मम्मा का दूध पी रहा है। ये है जी फीमेल बकरी है जी, माशाल्लाह छोटी सी ये, और इसने जो है, ये है जी मेरी जमजम, इसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है दूसरे बकरों को, और दूसरे बकरों को ये जो है ना मोस्टली अपने नज़दीक नहीं लगने देती, क्योंकि एग्रेसिवनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, गुस्सा इसे बड़ी जल्दी से आ जाता है। तो आप काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि इस बकरी का इलाज क्या किया जाए, जिसकी वजह से इसका गुस्सा कम हो जाए और ये दूसरी बकरियों पे अटैक ना करें। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि पहले भी इसने एक बकरी का जो है वो कान काट के खाया, तो ये डायरेक्ट जो है ये इसके बकरियों के, दूसरी बकरियों के और बकरों के कान पर अटैक करती है जी हाँ। तो ये देखें, लेकिन ये अपने बेबी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देती, ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि ये जो है नुकसान देती है दूसरी बकरियों को, जो इस, जो भी इसके नज़दीक आता है। तो कमज़ोरी है अभी इसमें, वीकनेस है, क्योंकि अभी ज़रा मौसम ऐसा है। तो अब इंशाल्लाह ताला आज से इस पर थोड़ी सी मेहनत शुरू होगी, ताकि इसके विटामिन, इसके प्रोटीन्स, इसके कैल्शियम्स पूरे हों, और उसकी वजह से इसे ये जो है ना वो सेहतमंद हो जाए, इंशाल्लाह ताला ये अनकरीब सेहतमंद हो जाएगी जी। तो गाइज़ ये देखें जी, आपको हम एक और बकरा दिखाते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बकरा है, और जैसे हम जो है पाकिस्तान की जो फेमस ब्रीड में से एक ब्रीड है, जिसे हम वाइट राजनपुरी कहते हैं, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी 11 मंथ का है माशाल्लाह से। इसकी आप हाइट चेक करें, और ये देखें जी गाइज़, मैं आपको दिखा दूं, और इसका झालर आप चेक करें, और इसका नगोड़ा चेक करें माशाल्लाह से। इसके होंट्स जो हैं वो बिल्कुल गुलाबी हैं, इसका झालर निकला हुआ है, इसका नगोड़ा निकला हुआ है, इसकी आँखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और देखें जी, ये सुबह सुबह निकला है जी, मैंने इनको निकाला है सुबह ही सुबह, और अब ये जो है घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहे हैं, और इनके साथ जो है वो दो दुम्बे भी हैं, दुम्बे जो है वो अगली गली में चले गए हैं। तो ये देखें जी, ये अभी इस टाइम जो है वाटरमेलन खा रहा है, तो इसे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद है, चूँकि मौसम भी ऐसी का ही है, तो इस वजह से ये देखिए जी, ये है जी माशाल्लाह से, ब्रीड चेक करें जी आप, ठीक है, और बिल्कुल मुनासिब रेट पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला HMH गॉड फार्मिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे कहीं भी ले सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। और इसका आप जो है ये इसके होंठ चेक करें गुलाबी, इसकी आंखें चेक करें जी माशाल्लाह से वाइट, और बीच में ब्लैक स्पॉट है इसका, नीचे से जो है हल्का हल्का, ये देखें जी झालर चेक करें आप, ये देखें जी माशाल्लाह से, इसे झालर कहते हैं, इसका झालर चेक करें। अभी ये छोटा है बिल्कुल, और इस पर आप थोड़ी सी अब मेहनत स्टार्ट होगी, इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला इसके, इसकी हाइट, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसके कान आप चेक करें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत इसके कान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ओरिजिनल ब्रीड है बिल्कुल, इसमें किसी किस्म के कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। इसे हम कहते हैं वाइट राजनपुरी, और ये पाकिस्तान की एक फेमस ब्रीड में से एक ब्रीड है राजनपुरी। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये HMH गॉड फार्मिंग का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। थैंक यू सो मच। Come on.